चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है ज्ञान मात्र है मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हो प्रति समय यह जागृति बनी रहे इस जागृति का नाम धर्म है देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया से और विकल्पों के बहते प्रवाह से त्रिकाल अस्पर्शी चैतन्य सत्ता मात्र तत्व हूँ इस चैतन्य तत्व में परिपूर्णता है इस चैतन्य तत्व में परिणाम को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है मैं ऐसा परिपूर्ण तत्व हूं जो सक्रिय भी नहीं हू और निष्क्रिय भी नहीं हू प्रवृत्त भी नहीं हू और निवृत्त भी नहीं हू मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा सत्ता मात्र हूं पर्याय में एकत्व होने से इस प्रकार का बोध दिया जाता है कि तुम समस्त प्रकार की वृत्तियों से निवृत्त हो जाओ समस्त प्रकार की प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाओ और एकांत में वास करो वृत्ति और प्रवृत्तियों से निवृत्त होने का जो उपदेश है वह ध्रुव चैतन्य परमात्मा का उपदेश नहीं है क्योंकि मैं तो ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप तत्व हूं जो निवृत्त नहीं होता क्योंकि निवृत्ति में प्रवृत्ति शामिल है मैं ऐसा परमात्मा तत्व हूं जो सदाकाल ज्ञान से भरपूर हूं बहुत कुछ कर चुका अब मैं बैठ जाऊ अब थक चुका हूं अब मैं विश्राम करूं विश्राम करने वाला उस राम से बहुत दूर है मैं विश्राम करने वाला नहीं हूं मैं त्रिकाल आत्म राम हूं इस प्रकार के भेद ज्ञान से पर्याय का लक्ष्य छूटे और द्रव्य दृष्टि स्थापित हो जो केंद्र पर अनादि से दृष्टि नहीं गई और परिधि पर ही चक्र चलता रहा अब उस परिधि के चक्र से छलांग लगा करके उस मध्य में ध्रुव की धुरी में कैसे एकत्व हो वह कला समझनी है तत्व विचार पूर्व कर्म के उदय का परिणाम है विचार चलता है कषायों की मंदता से और ध्यान होता है आत्मा के अपूर्व पुरुषार्थ से फिर भी विचार और ध्यान से न्यारा यह चैतन्य तत्व इस पर ही पूरा जोर हो मगर यह उपदेश की पद्धति ऐसी है कि जो मोक्ष के मार्ग में यात्रा प्रारंभ करता है उस चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेने जिस स्वरूप में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है उस स्वरूप में जो डुबकी लगाता है उस डुबकी लगाने से पूर्व उदयगत इस प्रकार के विकल्प आते हैं ध्रुव में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है मगर निवृत्त होने का विकल्प भूमि का अनुसार बीच में आता है मगर वह ज्ञानी उस विकल्प पर बैठता नहीं है जो मैल है जो कलंक है उस कलंक को अपने पर लगाता नहीं है कि मैं निवृत्त हो जाऊं मैं एक ऐसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके वहीं पर ही अनंत काल के लिए स्थिर हो जाओ मैं जन्म और मरण से मुक्त होकर के लोकाग्र शिखर पर विराजमान हो जाओ मैं संसारियों की संगति छोड़ू मैं ये देह के काराग्रह को छोड़ू ये घी मिट्टी के साथ में कब तक पड़ा रहेगा अब उस मिट्टी के साथ में जमा हुआ घी उसे अग्नि पर लाओ और गर्म करो तुरंत ही पता चल जाएगा घी अलग हो जाएगा मिट्टी अलग हो जाएगी अब मैं इस देह की मिट्टी से अलग होकर के चैतन्य इस सत्ता को अलग करो और उसे ही मात्र निरीक्षण करो। इस प्रकार के विकल्प जो आते हैं उन विकल्पों में रस पड़ता है उन विकल्पों में वह बैठता है और इस वजह से निराकुल निर्विकल्प ध्यान अंतर में घटता नहीं इस दीपावली महोत्सव के इस शिविर के प्रसंग में अब अंतिम ये दिनों में मैं आप परमात्माओं से जो तत्व विचार और ध्यान से भी ऊपर वह जो ध्रुव की धुरी है जो मैं हूं जो परमात्मा है वही परमात्मा है इसके अलावा और कोई परमात्मा नहीं है वहां आदिनाथ भगवान भी नहीं है और महावीर भगवान भी नहीं है मैं हूं उसका भाव जब तू ऐसा ग्रहण करता है तो पूरे में तू फैलता है तो अपने ही दृष्टि को उतने तक फैलाता है वो विराट दृष्टिवान होता है वो विराट दृष्टिवान नहीं है जो भविष्य के बारे में सोचता है अनपढ़ व्यक्ति आगे भविष्य के बारे में इतना नहीं सोचता अनपढ़ व्यक्ति को तो कुछ ज्यादा आज की रोटी मिल गई खेत में काम किया बस उसे अगले महीने अगले साल क्या होगा फसल उगेगी कटेगी कोई विचार नहीं है आज खेत में काम किया छाछ और रोटी मिल गई वह बस आज की उसकी शाम शांति से बीत गई मगर धनवान सोचता है जितना ज्यादा धन आता है उतने ही भविष्य के सपने बढ़ते जाते हैं वह कल्पना लोक में वास करता है सत्य का अनुभव नहीं है ना जितना धन अधिक आता है उतनी गुलामी और बढ़ने लगती है कल धन अपने पास न था तो बर्तन खुद के सफाई करने में तकलीफ नहीं होती थी मगर जब तुम पांच करोड़ के बंगले में रहो तब खुद के हाथ से बर्तन करने में शर्म आएगी जितनी जितनी अनुकूलताएं बढ़ती है उतनी ही परतंत्रता भी बढ़ती है अब वो काम वाली भी चाहिए और काम वाली के लिए फिर कमाई भी चाहिए पहले खुद गाड़ी खुद की चलाने में तकलीफ नहीं होती थी अब ड्राइवर भी चाहिए और ड्राइवर के लिए ये धन कमाने की ड्राइव ये भी मुझे करनी पड़ेगी गरीब व्यक्ति गांव में रहता है बहुत ज्यादा सोचता नहीं भविष्य के इतने अरमान देखता नहीं धनु में आया शहर में रहा ये मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है बहुत ऊंची है मगर उन इमारतों के अंदर रहने वाले लोग यहां पर मैं देखता हूं इतने तड़पते हुए यहां क्यों आते हैं इस द्वार पर क्योंकि जितनी ऊंची इमारत है उतना दुख का भी ऊंचा अनुभव होता है जितना ज्ञान बढ़ा है मगर शांति अंदर से मिली नहीं इस भारत देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ कोई राज्य है उनमें केरल का नाम आता है केरल के लोग केरल के बच्चे पढ़ने में इतने होशियार हैं, उनका परिणाम नब्बे से ऊपर हर एक बच्चा की नब्बे परसेंट यहाँ तो साठ पैंसठ में शांत तो हो जाता है और 80 आ गया तो बस उसकी ऐसी की तैसी 80 आ गया अब तो बस दुनिया को मुट्ठी में कर लो ज्यादा ज्ञान बढ़ गया ज्ञान ज्यादा बढ़ गया मगर आपको ये पता ना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोगों में ये केरल के लोग ही है जितना ज्यादा पढ़ते हैं वो आत्महत्या कैसे करते हैं क्योंकि ज्ञान का बढ़ना यह समाधान नहीं है शांति नहीं है और अंतर में अशांति इसलिए कहता हूं गांव का अनपढ़ गवार वह जितना सुपात्र है बिल्कुल अनपढ़ गांव में पैदा हुआ मैं इन महापुरुषों को देखता हूं उनकी शक्ति उनकी बुद्धि की इतनी तीक्ष्णता मगर फिर भी जन्मे तो गांव में नहीं गुरुदेव गांव में पैदा हुए कोई न्यूयॉर्क में पैदा नहीं हुए कोई लंदन में कोई टोकियो में जाके नहीं जन्मे एक छोटे से गांव में उस उमराला में परम देव जन्म ववाणिया में दौलत राम जी जन्मे सासनी में महावीर भगवान को ही देख लो कुंडलपुर में आज कुंडलपुर को ढूंढना हो तो पत, किसी को पूछना पड़े गूगल के अंदर भी ढूंढना हो तो मैप में ठीक तरह से दिखाई ना दे कि यह कुंडलपुर है कहां एक छोटा सा गांव उस समय भले समृद्धि रही होगी मगर मैं गांव की बात कहता हूं जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है जो भविष्य के बारे में इतने सपने देखता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे गिनती आती है वो पढ़ा लिखा है वो गिनती आती है वो हिसाब करता है मेरे पास में इतनी पूंजी है सब इकट्ठी करके रखो किसी को दू नहीं। यदि एक करोड़ रुपये किसी को दे दिए तो एक करोड़ का व्याज महीने का छे परसेंट के हिसाब से छह लाख ब्याज होगा मैंने करोड़ नहीं दिए, मैंने भविष्य में हर साल के छह छह लाख रुपये उसको दिए वो गिनती करता है अनपढ़ व्यक्ति ऐसी गिनती नहीं करता उसकी जेब में सौ रुपये है निकाल करके किसी को दे देता है कल का पता नहीं मैं आप परमात्माओं से यह कहना चाहता हूं कि बुद्धि हो ज्ञान हो समझ हो इतनी मगर फिर भी समाधान नहीं है जो थक गया है वो निवृत्त होना चाहता है सभी प्रवृत्तियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा उसकी दृष्टि बहुत आगे की है वो बहुत आगे का सोचता है। हर साल यदि डेढ़ डेढ़ करोड़ रुपया मैं एक बीमा कंपनी को देता हूं मैंने एक बीमा तैयार कराया हर साल डेढ़ करोड़ रुपया और आज यदि मैं मर जाऊं तो मेरे घर वाले को एक एक व्यक्ति को 25-25 करोड़ रुपये मिले डेढ़ करोड़ खाली बस मुझे एक साल का देना है वो तो गिनती कि अगले साल एक साल एक साल मगर यह करते समय विचार आता है पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत आगे की सोचता है इतने करोड़ रुपये रखे तो इतने करोड़ का ब्याज इतना है। इतना विराट दृष्टि वाला वह पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ी दृष्टि को और क्यों नहीं फैलाता जब वो सौ साल तक का इंजाम करके रखता है जब वो सात पीढ़ी का इंजाम करके रखता है सातवीं पीढ़ी माने खुद का बेटा 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 ये सात जब सात पीढ़ी का विचार करता है तो खुद की ही अगली पीढ़ी का माने अगले भव का विचार उसे क्यों नहीं आता जब बच्चे का विचार आता है उस संतान का विचार आता है तो खुद का भी तो एक भाव है आगे का सात पीढ़ी नीचे है तो सात भव आगे मेरे भी तो है वह विचार क्यों नहीं आता जो इतना विराट दृष्टि वाला हो सकता है मैं आप परमात्मा से यह कहता हूं कि ये विराट दृष्टि माने मेरी अनादि अनंत चैतन्य सत्ता मैं स्वयं को यह पचास साल साठ साल सत्तर साल वाला इतना ही नहीं देखता मैं देखता हूं इस देह के पीछे भी जो चैतन्य सत्ता है जो टिक कर रहती है मात्र चैतन्य न प्रवृत्ति न निवृत्ति मात्र सत्ता ब्रॉड विजन कहते हैं वो उस नैरो माइंड नहीं तुम माइंड हो बहुत दृष्टि तुम्हारी संकुचित है एक लड़का और एक लड़की पास में बैठे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है उनके बीच अरे वो मित्र भी हो सकते अरे वो भाई बहन भी हो सकते इतनी नीची दृष्टि इतने नैरो माइंड संकुचित विचार वाले थोड़े विराट विचार वाले बनो और पश्चिम के देशों में विराट दृष्टि वाले कोई लड़का लड़की साथ में घूमते होंगे होगा कोई उससे क्या लेना हर हरेक में ऐसा विचार नहीं आता उनकी दृष्टि कितनी विराट है मगर विराट दृष्टि वाले भी विराट दृष्टि वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने भी अपना भव एक भव ही माना है आगे का भव माना नहीं वो जन्म मरण करने वाला आत्मा वो जो अनेक देह को धारण करने वाला इस पृथ्वी पर जो दो धर्म सबसे ज्यादा माने जाते हैं मुस्लिम और ईसाई ये दो में से कोई भी जन्म मरण का चक्र नहीं मानते इसे नेरो माइंड कहते हैं कि इस भव का ही विचार है आगे का कुछ पता नहीं है ये ध्रुव की दृष्टि का अर्थ के अनादि अनंत में हूं ऐसी विराट दृष्टि कि जहां न प्रवृत्ति है न, न निवृत्ति है जहां नया देह नहीं है जहां पर नया शरीर नहीं है बस मेरा अस्तित्व ही है बस मेरा टिक करके रहना और जैसे जैसे तू गहराई में अंतर में स्वरूप का इस प्रकार विचार करे मैं ध्रुव चैतन्य ध्रुव चैतन्य ध्यान रखना उस समय ये दुनिया की दृष्टि तेरे बारे में वह नहीं हो मैने तुझे इतना निर्लेप होना होगा आज तेरे पास में लाख रुपए है दुनिया तुझे लखपति मानती है तेरे पास करोड़ रुपए है दुनिया तुझे करोड़पति मानती है क्योंकि है और मानती है आज तेरे पास में दो गाड़ी है दुनिया तुझे दो गाड़ी वाली मानती है मगर जब तू ये तत्व विचार करके भेद ज्ञानी होगा तब दुनिया तुझे ज्ञानी नहीं मानेगी क्योंकि गाड़ी संपत्ति ये बाहर में दिखाई देते उसके लक्षण का पता चलता है वह जो तत्व विचार और चिंतन जो चलता है जो रात्रि में निंद में भी वह धारा चलती है वह चिंतन चलता है लगता है कि वह निंद में सो रहा है मगर मतलब उस समय भी एक धारा चलती है फिर तुम्हें तो लगे कि अरे नींद बहुत ज्यादा आ गई आज मैं आठ बयालीस पर उठा सुबह मुझे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए निंद इतनी आ गई रात को जागता हूं सुबह सोता हूं अभी जाके आया हो परस थोड़े दिन ऐसा होगा मगर वो बात नहीं है वो रात को जागता रहता हूं दिन में फिर सो जाता वो बात नहीं है सोता ही नहीं अंतर में एक ही धारा कि दुनिया को पता नहीं चलेगा दुनिया को लगेगा यह कुंभकर्ण है नौ बजे तक सोता रहता यह सुनकर के सभी को इससे यह प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए कि सोते रहो दुनिया मुझे पहचानेगी नहीं ज्ञानी के चक्षु तुम्हें पहचान लेंगे क्योंकि ज्ञानी के पास में अद्वितीय अक्षय चक्षु है वह तुम्हें पहचान लेंगे अज्ञानी तुम्हें न पहचान पाएंगे बाहर की क्रियाओं से तुम बैठे हो विचार कर रहे हो चिंतन चल रहा है तुम पर यह मोहर न लगेगी एक सिक्का न लगेगा और जब तक सिक्का न लगे और फिर भी चिंतन की धारा चले तब फिर और और और, और पुरुषार्थ बढ़ता है क्यों क्योंकि तुम निर्हंकारी हो चार गाड़ी तुम्हारे घर के आंगन में है दुनिया को दिखाई देती है तुम्हारी वाह वाह करती है तुम पांचवी के लिए दौड़ते हो उसके पीछे कारण है चार गाड़ी के कारण मान मिल रहा है आदर मिल रहा है मगर जब भेद ज्ञान अंतर में करते हो दुनिया को पता नहीं चलता दुनिया आदर नहीं देती फिर भी तुम वो चिंतन 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 वह चलता ही रहता है वो ये बताता है वह निरअहकारी अंतर में वह दशा प्रकट हो रही है कि दुनिया क्या सोचती है कुछ भी नहीं अंतर में तत्व विचार चिंतन ये धारा चले इसी प्रकार से बिल्कुल इसलिए कहा तो एक एक स्थान पर चला जा एक स्थान पर वहीं पर ही एकांत में इसलिए सोगानी जी जब सोनगढ़ से जाते थे एकलिया या एकलिया पार्शनाथ जो है वहां डैम है एकलिया एकलिया डैम है उस डैम में एकलिया में एक का अनुभव कर सोगानी जी जाते थे वहां कहते थे उस समय उन जंजीरों से भी मुक्त होकर के एकलिया में जाना एकलिया वो तो डैम था असल में एकलिया यह चैतन्य का एकांत है इसलिए यह आज उस ध्यान में ध्रुव की दृष्टि नित्य की दृष्टि पुरुषार्थ की कमजोरी तत्व विचार विकल्पों का उत्पन्न होना बार बार फिर गिरना ऐसे ही बहुत बार होगा बहुत बार होगा ऊपर जाना नीचे गिरना ऊपर जाना नीचे गिरना नेपोलियन जैसा नेपोलियन भी सीख लेता है मकड़ी से ऊपर जाती है नीचे गिरती है वो मकड़ी फिर ऊपर चढ़ती एक बार चढ़ गई वो देख करके ही हार मैं कभी न मानूंगा इस प्रकार से बहुत बार ऐसी संभावना आएगी तेरा तत्व विचार इतना आनंददायक होगा मगर जैसे ही घर में कोई घटना घटेगी तो भोजन करने बैठेगा जब पकवान सामने आएगा तो लाव में भोग लू उस समय यह तत्व विचार नहीं चलेगा लाओ भोग लू क्योंकि मैं तो उस तत्व को पा चुका हूं विचार तो चल रहा है मुझे सब पता है मैं चैतन्य हूं और असली बात यह है कि अभी जो मैं चक रहा हूं उसमें जो रस ले रहा हूं को नहीं देता। ने ये देखा है, मैं प्रवचन में बैठा था दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि पकवान जीप पर आए तब रस ले रहा हूं फिजिकल वो शरीर से जो उपस्थिति थी फिजिकल प्रेजेंस का वो पता था मेंटल उसका कुछ पता नहीं था इसलिए जो इतना प्रामाणिक हो जाए उसी के लिए धर्म है इस नूतन वर्ष के प्रारंभ में यदि धर्म को पाने का पहला चरण यदि आप रखना चाहते हो तो प्रामाणिक होना दूसरों के साथ में नहीं अपने साथ में क्योंकि दूसरों के साथ में की गई माया अनंत संसार में नहीं भटकाती अपने साथ की गई माया अनंत संसार में भटकाती है इस वजह से उस माया को अनंतानुबंधी माया कहते पर उस अनंतानुबंधी माया का संबंध अपने साथ है दूसरों के साथ नहीं करो इस प्रकार से ध्रुव 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 ये ज्ञान ये विचार चले मैं ध्रुव हूं मुक्ति के लिए ही निकले हैं, मगर मुक्ति के लिए निकले हैं, मगर मुक्त पर यह जोर नहीं है बस मेरा अस्तित्व है मैं काम करता हूं अट्ठावन साल साठ साल में रिटायर्ड हो जाऊंगा रिटायर्ड हो जाऊंगा मैंने मर नहीं जाऊंगा मैं तो रहूंगा क्रिकेट में कोई क्रिकेट और खेलता है रिटायर्ड हो गया मगर वो मर थोड़ी गया ऐसे ही ऐसे ही इस सत्ता को देख सत्ता मात्र को देख वह पर्याय जो है जो स्वरूप का चिंतन चलता है वह पर्याय चली गई वह पर्याय चली गई वह रिटायर्ड हो गई ऐसा ही लगे मेरा अस्तित्व जो है वह टिक करके रहता है निवृत्ति का अर्थ यह नहीं है कि नाश हो गया मैं सत्ता स्वरूप न्याय देव टिक करके रहता हूं दिन बीतते जाते हैं जिंदगी के इतने दिन बीत गए कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि रोज 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 थोड़ा 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 थोड़, 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 फिर उसके आदि हो जाते हैं और वह जो आदि हो जाते हैं, वहां बेहोशी पूरी है इसलिए आदि होने में तकलीफ नहीं होती देह की क्रिया भी तो ऐसी है यदि बचपन है और सीधा ही बुढ़ापा आ जाए अभी पूरे बाल काले है और फिर पूरे के पूरे सफेद आ जाए तो लोग अरे ये क्या हो गया क्या हो गया मगर फिर एक आया फिर दो चार आए फिर कान के पास आए फिर थोड़े पीछे से ऐसे ही धीरे 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 इसलिए आदि हो जाते हैं धीरे धीरे प्रकृति में भी ऐसा ही है वहां पर देह में तन्मयता था पर कितना भी वो देह किसी भी हालत में होगा वो मोह का भाव नहीं छूटेगा पहले रस था कि ये शरीर मेरा है ये बाल काले हैं ये मेरे हैं गोरे ना होने दूंगा मगर गोरे हो गए तो आत्महत्या नहीं कर लेता ठीक है गोरे तो गोरे मैं तो हूं ना यदि सिर पर ताल हो गई गंजा हो गया पहले इच्छा नहीं थी एक बाल भी खीरता बाल झड़ने लगे हैं, मैं शैंपू लगाऊ मैं कोई दवाई लगाऊ बाल को टिका कर रखू मगर पूरे के पूरे बाल यदि जड़ जाए अरे जिसे बचाना चाहा वही नहीं बचा कोई बात नहीं मैं तो अभी हूं मरूंगा नहीं बाल गिर जाने से मैं आत्महत्या नहीं करूंगा आदि हो जाता है ये देह के साथ में पूरी तन्मयता यदि कैंसर की गठान भी हो जाए और पता चले तो भी यदि शरीर में कोई गठान हो गई हो पता चले हाथ काटना पड़ेगा ठीक है डॉक्टर साहब काट दो पैर काटना पड़े ठीक है काट दो तुमने कभी सोचा वो क्या है पैर काट दो चलेगा हाथ काट दो चलेगा मगर कैसे भी करके मैं बचना चाहिए मैं मरूंगा नहीं मैं नहीं मरना चाहता मैं बचूंगा अंत में बाल बचे अंत में ये शरीर के अंग बचे संपत्ति बचे उन सब में अंत में एक जो वासना छुपी हुई है कि मैं रहू बस मैं रहू वो जो भाव अस्तित्व का भाव है मगर मरते समय पता चला डॉक्टर ने कहा कि अब तुम नहीं रहोगे कोई बात नहीं मेरा बेटा तो है ना मैं नहीं तो मेरा अंश है न इस शरीर का ही अंश है न वह तो है न उसमें भी एक रस है वह है न मैं न रहूं मगर मंदिर में दान दिया है मेरा नाम तो रहेगा ना वह मैं तो हूं न अस्तित्व तो है न प्रत्येक अज्ञानी की यही वासना है कि अस्तित्व रहे और गुरु ने सीधा कह दिया कि तेरा अस्तित्व अनंत काल के लिए है अब कितना निर्भर हो गया कुछ करना ना पड़ा आ आ, अनंत 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 काल तक तेरा अस्तित्व है और कुछ किए बिना कुछ किए बिना न प्रवृत्ति कर न अस्तित्व से बल आता है कि मैं टिक कर रहने वाला तत्व बस फिर जो पर्याय में होता रहे वो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता रहे जो विकल्प होते रहे मैं मोक्ष को पाऊं ज्ञान में जानने में आता रहे मुझे क्या मुझे क्या मैं तो सत्ता स्वरूप हूं तू ला इस प्रकार का जोर में सत्ता स्वरूप हूं मेरा अस्तित्व रहेगा मैं रहूंगा तुम्हें ना दिखाई दूंगा मगर यह मत मान लेना कि मैं चला गया तुम मुझे विदाई करने आए हो मेरी मृत्यु की घड़ी है तुम विदाई करने आए थोड़ी देर के बाद में मैं तुम्हें न दिखाई दूंगा न मैं दिखाई दूंगा न ये देह दिखाई देगा तुम स्टेशन पर खड़े हो ट्रेन अभी चली जाएगी जैसे ही ट्रेन स्टेशन के गई और फिर टर्न ले लिया मुड़ गई अब ना ट्रेन दिखती है न रिश्तेदार दिखता है मैं तुम मान तो नहीं लेते कि रिश्तेदार मर गया या ट्रेन खत्म हो गई चलो ट्रेन से वो रिश्तेदार आगे जाकर उतर भी जाएगा ट्रेन का पता नहीं कहां चली जाएगी मगर वो व्यक्ति तो रहा ना नहीं।, नहीं दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि मर गया मैं अनंत काल तक टिक करके रहूंगा मेरी जलती ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता कोई आंधी आए आंधी अर्थात कर्म के उदय की आंधी कोई तूफान आए कोई प्रलय आए प्रलय आए तो भी मुझे कुछ न होगा क्योंकि जब मेरा पंच परावर्तन हुआ तो सभी काल में जाकर के मैंने जन्म मरण किया या नहीं ये छठा काल आएगा अभी तो पांचवा है अठारह हजार पांच सौ वर्ष बाकी है तो छठा काल जब आएगा तो छठे काल में तो कैसे कैसे लोग होंगे सभी लोग मांसाहारी होंगे अधोगति में जाने वाले होंगे कोई धर्म का अंश भी न होगा सब पापी मां अपने बच्चे को खा जाएगी इतनी निर्दयी भूख इतनी लगेगी खाने को कुछ मिलेगा नहीं भक्ष अभक्ष का विवेक होगा नहीं ऐसा पाप और ऐसे काल में भी मैं भूतकाल में पैदा हो चुका हूं क्योंकि ये तो काल चक्र है ना चक्र का मतलब फिर दोबारा आओ चौरासी का चक्र माने चक्र उसे ही कहते हैं जहां घूमना होता है वर्तुलाकार है ना वहां घूमना है और वर्तुलाकार घूमते हैं कहीं पहुंचते नहीं है वर्तुलाकार घूमने वाले कहीं नहीं पहुंचते जैसे सूर्य वर्तुलाकार घूमता है पहुंचता कहीं पर नहीं है बस घूमता ही रहता है एक साल के बाद में सूरज कहा जाता है कहीं नहीं जहां है वही रहता है चक्र है ऐसा तो मैं उस समय भी छठे काल में उस समय भी नरक में निगोद में सब जगह रहा यह जलती ज्योति बुझी नहीं क्योंकि यह बाती से जली नहीं थी ये तेल से जली नहीं थी ये बिन बाती बिन तेल ये मैं चैतन्य ज्योति अब मेरी वाला भाव हटाओ मेरी चैतन्य ज्योति नहीं मैं चैतन्य ज्योति कौन सा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है दीपक जलते हैं यह बात तो झूठी है जलती तो ज्योति ही है नदी बहती है बात तो झूठी है पानी ही बहता है ये सत्ता ये मेरी चैतन्य ज्योति और इस ज्योति पर श्रद्धा रखना श्रद्धा तुम किस पर रखोगे बस अपनी चैतन्य सत्ता पर अपने पर श्रद्धा है पर पर नहीं मुझे श्रद्धा अपने पर है दुनिया वाले लोगों पर श्रद्धा नहीं है इस देश के लोग अच्छे हैं ये लोग इतनी हिंसा नहीं करेंगे मगर अफ्रीका के लोग तो बहुत खतरनाक है यदि तुम डालो तो पता चले गूगल में सर्च करो तुम चाद को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को बुरकीना फासो को सियरा लियोन को ऐसे देशों को मगर उन देशों में उन लोगों के पास में रहकर ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं मेरी ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता बस इतनी दृढ़ता रहे तो तुमने जग को जीत लिया इस ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता क्या प्रमाण है यह अखंड ज्योति है परमात्मा को ज्योति अर्पण करो भक्ति करनी है ना अनंत सिद्धों की भक्ति करनी है ना अनंत सिद्धों को मांस नहीं चढ़ाते सिर नहीं चढ़ाते ये खोपड़ी स्मशान में ही छोड़कर आ जाते हैं घर में लेके नहीं आते यहां तो परमात्मा के सामने क्या मस्तक झुकाऊ सिद्ध शिला पर जाओ तो बस ये जलती ज्योति जाए परमात्मा के पास में यह जलती ज्योति जाए तो परमात्मा का आदर है यह जलती ज्योति सिद्ध शिला पर जाएगी मेरी भी जाएगी तुम्हारी भी जाएगी तुम्हारे इस समर्पण के कारण इस अहो भाव के कारण न्यायिक भाव की महिमा के कारण हे ज्ञान दीपक ऐसा पुरुषार्थ जगे मेरी चैतन्य ज्योति सदा काल टिकेगी बीच में प्रसंग आएंगे मगर वो लंबे काल न रहेंगे प्रसंग आएंगे मगर प्रसंग में फिर तेरा संग ना होगा तू असंग होगा इस वजह से उससे प्रभावित न होगा बीच में प्रसंग आएंगे राम को आए थे लक्ष्मण के लिए सीता के लिए पवनजय को आए अंजना के साथ राजा श्रेणी को आए थे चेलना रानी के साथ सभी का जीवन में कोई न कोई प्रसंग आता आया और गया आया और गया मैं तो यूं का यू रह गया यही चैतन्य ज्योति है बस बस तो आई और गई आई और गई वहां पर कोई भी ठहरता नहीं है ऐसे ही परिणाम है उन परिणामों को देखना उन परिणामों से परीक्षण होता है उन परिणामों से निरीक्षण होता है कि मैं कितना दूर हूं वर्तमान के परिणामों को देख करके पता चलता है कि मैं सिद्ध परमात्माओं से कितना दूर हूं जो भी परिणाम होते हैं उन परिणामों से पहचान होती है जो परिणति है उस परिणति से पहचान होती है कि मैं कितना पानी में और खुद ही पहचान पाता हूं खास बात यह रहे कि पता चलता है कितनी दूरी है जैसे रास्ते पर हम चलते गाड़ी लेकर जाते हैं तो एक माइलस्टोन होता है किलोमीटर का पत्थर रहता है उससे पता चलता है कि कितना दूर है यह गंतव्य स्थान मेरा डेस्टिनेशन कितना दूर है उसका पता चलता है खास ध्यान ये रखना कि जिससे पता चला है उस पत्थर के ऊपर बैठ मत जाना यात्रा चलती रहे पत्थर पर बैठने के लिए वो पत्थर नहीं है वो सिर्फ तुम्हें बता रहा है तुम कितने दूर हो जब चैतन्य की जागृति इतनी बढ़ती जाए चिंतन बढ़े मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य तो उन परिणामों पर बैठ मत जाना यही धारा चलती रहे ऐसे चैतन्य 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 यही धारा अंतर में ऐसी और वहां तो बैठता नहीं है परिणामों पर बैठता नहीं है परिणामों पर बैठता नहीं क्योंकि तू समझता है परिणामों पर भरोसा करने जैसा नहीं ये डाली टूटी हुई है पक्षी उस डाली पर बैठेगा नहीं पता है उसे उसने पहले से ही वो डाली देख ली है उसकी दृष्टि बहुत दीर्घ है उसे अच्छी तरह से अनुभव है अब वह बैठेगा नहीं और यह पक्षी कोई साधारण नहीं है यहां तो सोने की चिड़िया है यह कोई साधारण नहीं है कि जो हर जगह पर बैठे हे ज्ञान दीपक तो उन परिणामों पर बैठे बिना इस जलती त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति मात्र को ही तो ज्योति का मालिक है पूरे दिए का मालिक नहीं है का मालिक नहीं बाजार से दिया खरीद कर ला सकते हैं, ज्योति बाजार में बिकती नहीं है दूसरों से दिया मिल सकता है ज्योति खुद को जलानी होती है मां बाप से यह देह मिलता है वो चैतन्य ज्योति मां बाप से नहीं मिलती वो खुद की स्वयं की है इस प्रकार से यह चैतन्य ज्योति को स्वतंत्र महिमावान जान कि यह ज्योति देह की गुलाम नहीं है बिल्कुल ही अलग है अरूपी है इसलिए उस कल्पना भी, भी मत जाना जो पीले रंग की है जो तरह तरह के रंग की है मेरी ऐसी चैतन्य ज्योति हे चैतन्य परमात्मा इस चिंतन से तू ध्यान ध्यान में में चला जाएगा तू डुबकी लगा देगा तू महादानवीर हो गया तेरे से बड़ा अब दानवीर और कौन होगा तूने धन नहीं तो ये परमाणु ही पृथ्वी को दे दिए जिसका था उसका लौटा दिया ऐसी ऐसी जल, जलती चैतन्य ज्योति देह छूटने से पहले तेरी वह दशा है सभी ज्ञान दीपकों का ऑलमोस्ट सभी का अभी शाम को मैसेज आ गया दोपहर मैंने कहा कि बस मेरा समाधि मरण समाधि मरण मगर समाधि मरण की नींव तुम डाल चुके हो अब उसकी फिक्र मत करो तुम उसकी फिक्र मत करो सिर्फ ज्योति वो वीडियो खास करके मैंने तुम्हारे लिए भेजा है सच कहता हूं कि यदि हमारा मिलन न हो मरने की घड़ी में उस वीडियो को सुनना समाधि मरण का उस वीडियो को सुनना तुम ये समाधि मरण का कोई तुम्हारे परिवारजन भी माता पिता हो कोई भी रिश्तेदार हो मरने की तैयारी पर हो सिर्फ बस वो जो 28 मिनट के आसपास वो वीडियो उन्हें सुनाना क्योंकि बहुत से ज्ञान दीपक साधक पूछते हैं ना कि ये बीमार है अब ज्यादा रहेंगे नहीं उन्हें क्या सुनाए यही सुना देखिए उसमें पूरा सार आ गया भेद ज्ञान की कला आ गई ध्रुव चैतन्य ज्योति आ गई देह की स्थिति उस स्थिति से न्यारा उस परिस्थिति से न्यारा वह चैतन्य स्थित वह सत्ता वह सत्ता से भेद ज्ञान आ गया देह की अशक्ति में चैतन्य की शक्ति कम न हो यह जागृति आई ये, ये पूरा सार आ गया समाधि मरण का जो सहज ये भी एक योग आ गए इस चैतन्य ज्योति को कोई बुझा नहीं सकेगा बस और तुम्हें बुढ़ापे में यदि शक्ति भी 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 हो, याद आए, तब भी तुम परिवारजनों को कहते हो ना मेरी संपत्ति इतनी है बुढ़ापे में ये काम करना बेटा मुझे जला करके मेरे अस्थि को तू गंगा में विसर्जन कर देना ये कुछ भी मत कहना बेटे को इतना कह देना कि वो वीडियो वो जो सत्संग वो मुझे आखिरी घड़ी पर अंतिम समय परम कृपालु देव भी स्मरण में आ गए कोई मुझे बुलाना मत मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं और पूरा सार आ गया है अपूर्व चमत्कारिक यह चैतन्य ज्योति हे ज्ञान दीपक बस इस ज्योति के बल पर थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए फिर तो बैठ जाएगा फिर तो समा जाएगा। भले ही कितना भी तू काटे चक्कर मगर फिर तो बैठ जाएगा दुकान पर जाता है ऑफिस में जाता है काम करता है ये लंबा न टिकेगा, तो बैठ जाएगा तेरी गृहस्थी जितनी भी तूने फैलाई है वो फिर बैठ जाता है सिमट जाता है लंबा नहीं चलता ये वाणी जिसके कान में पड़े और फिर संसार उसका चलता रहे तो रुकेगा किसका ये चैतन्य परमात्मा की पुकार चौथे काल की बात पंचम काल में सुनने को मिले और वह भी दीवाने की मस्ती में बहुत दुर्लभ है हमारी दीपावली अब सार्थक हो ये असली दीपावली है हिंदुओं की दीपावली में कोई रस नहीं है वहां तो लक्ष्मी की पूजा करके दीपावली मना ली खत्म जैनों की दीपावली सारभूत है कुछ प्रेरणा देती है ज्योति और दीपक के बीच में भेद ज्ञान की कला सिखाती ये बात अलग है कि सभी जैन अक्सर ये हिंदुओं की दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा जो महावीर भगवान ने निर्वाण होने से पहले कहा था ये लक्ष्मी ये परिग्रह नरक का कारण है उन्हीं के निर्वाण के दिन वो परिग्रह का जो कारण है उसकी पूजा करते हैं इन बनियों का क्या कहूं मैं तुम जागो दुकान पर जाकर के पेटी के ऊपर भी धागा बांधेंगे घर के ऊपर भी नींबू मिर्ची लगाएंगे दुकान के बहुत से जैनियों की दुकान पर देखें नींबू और मिर्ची दाल सब्जी में डाल देते उतना खर्चा कम होता कमाई कम करनी पड़ती वो नींबू मिर्ची को वैसे भी महंगाई ज्यादा है मगर मिथ्या मान्यता कोई कुल परंपरा के कारण कम नहीं होती छूट नहीं जाती जैन कुल में पैदा होने से गृहित मिथ्यात्व थोड़ी छूट जाता है कितनी कितनी भक्ति के पीछे एक और महावीर भगवान रखे एक और गणपति रखे कभी सोचो ऐसे गणपति कभी हुए होंगे मुझे तो नहीं पता मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता नगर वितरागी भगवान तो कुछ करने वाले नहीं है गणपति कुछ कर दे तेरा कोई कुछ न करेगा तुझे ही करना पड़ेगा न गणपति तेरा कुछ करेगा न तो तेरा पति कुछ करेगा तुझे ही करना है जो करना है बुढ़ापे में कोई साथ न देगा इसलिए ये परम स्वतंत्रता का उद्घोष करने वाला ये वितरागी परमात्मा का मार्ग हमें मिला अब सब कुछ मिल गया अब कुछ भी चाहना नहीं कहते है, अब कुछ भी नहीं चाहिए इस जीवन में कोई अधूरा कुछ रह गया कुछ नहीं यह धर्म मिल गया जब मैं ये धर्म कहता हूं तब मेरा कहने का मतलब यह दिगंबर जैन धर्म नहीं है वरना वो दिगंबर जैन कुल से मानने वाले को लगेगा कि मैं उनके संप्रदाय में जुड़ गया मैं जब उस धर्म की बात कहता हूं तब वो जलती हुई चैतन्य ज्योति मात्र यही मेरा धर्म है यह धर्म मुझे मिल गया उसी प्रकार से भेद ज्ञान का अभ्यास करना हे ज्ञान दीपक अब यह दीपावली पूरी हो गई नया वर्ष शुरू हुआ तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ पता नहीं ज्योति कहीं बाहर से नहीं आई मिट्टी के अंदर से कोई ज्योति निकलती है वो तेल के अंदर से ज्योति निकलती है वो बाती के अंदर से ज्योति निकलती है वो ज्योति अपना स्वयं का अस्तित्व है उसका उसकी अपनी सत्ता है उसका अपना कार्य है वरना वो दिया भी वो जो दिया है मिट्टी का वह भी प्रकाश देना चाहिए था वो तेल वहां रखा तो था पहले वहां कमरे के पदार्थ क्यों नहीं दिखाई दिए बाती तो पहले भी रखी थी क्यों ना दिखाई दी एक जो ज्योति है जो अलग है जिसका स्वभाव ही अलग है और जो अपने में है ऐसे ही मैं चैतन्य ज्योति बोलने वाली मिट्टी अलग है मैं अनुभव करता हूं उस ज्योति का ये दिया जैसे ऊपर से नीचे गिरे और कड़कड़ -कड़ ये आवाज आए ऐसे ये होठ के हिलने पर जैसे वो दिया परिचय देता है ज्योति का मगर ज्योति कहती है तेरे परिचय की जरूरत नहीं है जो आंख वाला है वो मुझे देख लेगा हे मिट्टी तू आवाज मत कर आंख वाला मुझे वैसे भी देख लेगा जिसके अंदर में ऐसी दृष्टि है भगवान हे चैतन्य परमात्मा वह मुझे देख लेता है ज्ञानी मुझे देख लेता है वाणी से मेरा परिचय नहीं और वो ज्योति कुछ भी बोलती नहीं है क्योंकि वो प्रकाश जो है उसका वही पर्याप्त है उसके परिचय के लिए कहना नहीं पड़ेगा बोलना नहीं पड़ेगा बोलना पड़े तो समझना गड़बड़ है आज मैं अच्छा परफ्यूम छिड़क करके आया हूं ये बात मुझे किसी को बोलनी पड़े तो वो परफ्यूम नहीं है मैं जाऊं और खुशबू आ ही जाए वही पर्याप्त है जलती ज्योति बोलती नहीं है उसका होना परिचय है ऐसे ही मेरा परिचय मैं दूसरे को बोल करके क्या दू ये बोल करके जब देता हूं तब मन ही मन हंसी आती है कि जिसका परिचय ये दिया ना जा सके मिट्टी माटी ना कोड़िया उस एक कोड़िया कोड़िया थी ज्योति नी खबर के रीते पड़े कोड़िया आ कान ना पन कोड़ा आँख ना कोड़ा, कोड़ा, कोड़ा तारे कोड़ा थी खबर नहीं पड़े न से पता चलेगा वह होना ज्ञान की हरे ही क्रिया को करता है देह की हरे ही क्रिया को करता है ज्ञान की क्रिया अंतर में अलग दिखाई देगी ये जानना 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 वो उसका अस्तित्व ही अलग रहेगा बस ऐसी ही दशा वहां पर वह कार्य होता है वहां दूसरा कार्य होता है और एक अलग तारा है आज किसी ज्ञान दीपक ने एक खत लिखा है उस खत में उसने लिखा है कि लिखते लिखते मेरी उंगलियां ठहर जाती है आंख में से अभी आंसू टपक रहे हैं मगर ये ज्ञान की तारा बस यही चल रही है ये विचार मुझे चल रहा है बहुत उत्तम बात लिखी उसने बहुत गहरी बात लिखी ऐसा ही है जैसे कोई पत्थर को तोड़ता हो हाथ से पहाड़ के ऊपर हथोड़ा मार के पत्थर को तोड़ता हो जैसे कोई लकड़हारा उस पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी मारता हो जैसे बादल बरसते हो नगर में बादल बरसते हो मकान गिले होते हो मगर एक नदी है जो पहाड़ से भी दूर है जो गांव से भी दूर है जो बादलों के बरसने उससे भी दूर है वह नदी कहीं दूर बहती है उसी नदी का उस बहती नदी का उस बहती सरिता का नाम ही ज्ञान की धारा है ये दिखाई देता है लिखता है ऐसे जैसे हथोड़ा पड़ता है कंप्यूटर से लिखे या फिर हाथ से लगता है ऐसा जैसे हथोड़ा पड़ता है पत्थर के ऊपर लिखता रहता है यह बरसात हुई ये भावों की बरसात ये दीवारें गिली हुई ये राग की दीवार गिली होती है यह आंसू टपकते हैं वो सब होता है मगर वो अनुभव करता है कि जहां ये पानी बह रहा है उस बहते पानी में न वहां की बरसात है न बादल है न पत्थर है न पत्थर को तोड़ने वाला है न लकड़ी को काटने वाला है वह कोई नहीं है यहां पानी बह रहा है उस भेद विज्ञान को तुम अनुभव करो इसलिए तो ज्ञानी खाते हुए चलते हुए बोलते हुए हर एक क्रिया में वह जागृत है वह अंतर में उस ज्ञान का अनुभव करता है तुम न पहचान पाओगे उस ज्ञानी को क्योंकि तुम मिट्टी को ही पकड़ते हो तुम वहीं पर ही रह जाते हो तुम अंदर जाग करके नहीं देखते तुम निराश होते हो तुम कचरे को पकड़ करके एक थेले में बंद कर देते हो और कहते हो पानी तो यहां है ही नहीं तो जमीन को खोदते भी हो तो भी कड़क कड़क पत्थर निकलता है निराश होकर के लौट जाते हो और खोदते हो और खोदते हो तो फिर नरम मिट्टी आती है मगर फिर भी कोई चला जाता है कि मिट्टी ही मिट्टी है और कुछ भी नहीं मगर और अंदर में खोदो फिर गंदा पानी आता है मगर पीना मत और पुरुषार्थ करना उस गंदे पानी के और अंदर चाहो उस कीचड़ के भी और अंदर चाहो फिर वह निर्मल जल का स्रोत बहता है वो पुरुषार्थ तुम्हारा हे ज्ञान दीपक उस निर्मल चैतन्य तक तुम पहुंचो तुम देह के कचरे पर अटकना मत तुम कर्मों के पत्थर पर अटकना मत तुम रागादि विकार के कीचड़ तक ही अटक मत जाना अंदर निर्मल ज्ञान है उस निर्मल ज्ञान को अनुभव करना और वो हथोड़े से नहीं होगा वह हथियार से नहीं होगा भेद ज्ञान से होगा वह इस चैतन्य तत्व विचार से होगा इसी का आज प्रयोग करो मैं चैतन्य ज्योति ज्योति मात्र जो परिचय देती नहीं है जिसका होना परिचय देने के लिए पर्याप्त है होना मात्र पर्याप्त फिर पता भी नहीं चलेगा ऐसे ही मस्ती अंदर से आएगी एक दो तीन इस प्रकार से एक दिन गया दो दिन गए तीन दिन गए ये विचार से इतनी दृढ़ता आएगी इतनी दृढ़ता आएगी ये कला ये बहुत 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 विरले जीवों को मिलता है हजारों लोग मेरे पास में आए टिके क्यों नहीं टिक नहीं सकते इसके लिए तो पूरी तरह से जो इतना हा भीड़ इकट्ठी करनी हो मैं बहुत भीड़ इकट्ठी कर सकता था वही मक्खन लगा लगा करके मगर स्पष्ट होकर के जो कहो तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती तुम तुम्हारे गुरुओं को याद करो या संप्रदाय लेकर के बैठे होंगे या पक्षपात लेकर के बैठे होंगे जिनको भी तुमने माना उनको सबको याद करो अब मेरे पास में संप्रदाय नहीं है मेरे पास में कोई मत नहीं है न श्वेतांबर है न दिगंबर है न जैन है न अजैन है इसलिए बहुत मुश्किल है और ना तुम्हारी तारीफ है ना दानवीरों के नाम यहां लिखे जाते हैं ना दानवीरों को पहले आगे कुर्सी पर बिठाया जाता है ना दानवीरों को पहले कमरे में मिलने के लिए अंदर आने दिया जाता है कुछ भी नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और दानवीरों की परसभा में फिर उनकी पोल खोलता हो तब तो और खतरा हो जाता है इसलिए फिर जो एक ही चैतन्य का दीवाना होगा और सब कुछ उसके लिए गौण होगा वह टिक सकेगा वही टिक सकेगा और वह तुम हो इतने वर्षों से तुम हो करो साधना मैं सभी ज्ञान दीपकों के लिए कहता हूं मुझे पता नहीं कितने दिन मैं हूं अब तो 2023 का अंत आ गया मगर मैं सभी ज्ञान दीपकों से इतना तो कहता हूं इतना कहता हूं ज्ञान दीपकों के लिए यह प्रमोशन यह ऑफर है यदि आप बीमार पड़े नए वर्ष पर शुभकामना देता हूं यदि आप बीमार पड़े यदि आपकी अंतिम घड़ी हो तो आपके बेटे को आपके परिवारजन को भी कह देना मुझे बुला ले मैं आपके पास में आऊंगा ज्ञान दीपकों के लिए ऑफर है अस्पताल में रहेंगे पैरालिसिस हो जाएगा कैंसर हो जाएगा मैं आपके पास में उस चिड़िया की तरह आपके पास में आज में नए वर्ष की शुरुआत में आपको देख करके यह रहा नहीं जाता इसलिए वादा करता हूं आपको हे ज्ञान दीपक अंतिम घड़ी में तेरा मरण समाधि मई ही होगा तू समाधि मई जीवन जिया है तो समाधि मई ही मरेगा यह मई जीवन जीने वाले कुटिल परिणामों के साथ में कैसे मर सकते हैं इसलिए रंच मात्र भी चिंता की बिना तू जाग और पुरुषार्थ कर कल आखिरी दिन है पंद्रह नवंबर शिविर का पूरे सत्संग का शिविर का सार मैं आपको कल बताऊंगा और जो भी अंतिम बोध उमराला से अभी देना है अब तो पता नहीं इस गांव में कब आना होगा क्योंकि ये तो दीपावली एक त्योहार ऐसा है कि जब सब अपने अपने घर पे रहते इसलिए तो तुम अपने घर पे बैठे हो तुमने माना ही नहीं ये घर तुम्हारा इतने वैरागी इतने वितरागी पराये को अपना मानना ही नहीं मगर इस प्रवचन हॉल से इस सत्संग सभाग्रह से कल मैं आपको अंतिम बोध दूंगा उसके बाद फिर आगे की यात्रा अपनी शुरू होगी उस यात्रा के काल में भी हमारी ध्रुव की धुरी सदा टिकी रहती है जागृति सदा बनी रहे मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतकरण से प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार कर